उधम सिंह नगर जनपद के काशीपुर में स्थित IGL सभागार में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के बीच अंतर्राज्यीय समन्वय गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी सावन माह में कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न कराने के लिए रूट प्लान और ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर चर्चा हुई। साथ ही पिछले सालों में कांवड़ यात्रा में आई दिक्कतों का समाधान भी किया गया। आपको बता दें कि काशीपुर के IGL सभागार में उधम सिंह नगर के SSP डॉक्टर मंजुनाथ TC की अध्यक्षता में UP और उत्तराखंड के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के बीच कांवड़ यात्रा को लेकर बैठक हुई, जिसमें कांवड़ यात्रा के मद्देनजर एक दूसरे के साथ आपसी तालमेल और कांवड़ यात्रा से जुड़ी जानकारी साझा की गई। इस मौके पर उधम सिंह नगर के SSP डॉक्टर मंजुनाथ TC ने बताया कि उधम सिंह नगर जनपद कांवड़ यात्रा के लिहाज से काफी संवेदनशील रहा है, इसलिए कांवड़ यात्रा को पूरी तरह से गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड के कुमाऊं के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और बरेली रेंज के अधिकारियों के साथ आज बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों राज्यों के अधिकारियों के साथ पुलिस कर्मियों के मोबाइल नंबरों पर का आदान प्रदान भी किया गया। इसके साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इसके माध्यम से कांवड़ यात्रा पर सकुशल संपन्न कराने का फैसला लिया गया। वहीं दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय स्तर पर योजनाओं का आपस में आदान प्रदान किया। साथ ही दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों ने एक दूसरे से की जाने वाली अपेक्षाओं को भी साझा किया। जैसा कि अभी आपको SSP उधम सिंह साहब ने बताया है कि एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी, हम लोग आपस में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसी के संबंध में आज सब लोग बैठे थे, और आज इस मीटिंग में हम लोग द्वारा तय किया गया कहाँ कैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और कोऑर्डिनेशन करेंगे। समन्वय बैठक है, कांवड़ कराने वाले पुलिस नहीं होते, कांवड़ गंगा मैया कराते हैं, शिव जी के आशीर्वाद से कराते हैं, परंतु एक हमेशा से तरह जो है वो कोऑर्डिनेशन मीटिंग होता है, क्योंकि चीज़ें सेट है, SOP सेट है। मुख्यालय लेवल पे उत्तराखंड और UP लेवल के दोनों DGPs ने एक समन्वय बैठक लेके वहाँ पर चीज़ें ऑलरेडी सेट हो चुका है कि कहाँ ट्रैफिक डायवर्सन होना है, कब से कब तक रहना है। हमारा आज का ये जो एजेंडा बिंदु था, जिसमें अंतर जनपदीय और अंतर्राज्यीय बैठक हमने लिया है, उसमें जो ग्राउंड लेवल में जो काम करने वाले कटिंग एज ऑफिसर्स बोलते हैं, जो रह के ग्राउंड पे एक्चुअल में काम करते हैं, हमारा एजेंडा था कि वो आपस में जान ले एक दूसरे को और किस प्रकार से उत्तराखंड पुलिस का और UP पुलिस का और संपूर्ण कांवड़ियों का जो आशाएं है और पूरा अपेक्षा है और रूल्स जो बनी है डाइवर्शंस का, उसको धरातल पर कैसे अमल में लाना है, उसके लिए निटिग्रिटीज बोलते हैं ना, मतलब फाइनल चीज़ें, मतलब ग्राउंड ऑन ग्राउंड चीज़ें, क्या क्या करना है, गाड़ी रोकना है तो कहाँ रोकना है, गाड़ी देना है तो कहाँ देना है, डाइवर्शन लगाना है तो कहाँ लगाना है, प्रॉब्लम आती है तो किससे संपर्क करना है। हम कोई योजना बदलने का वो निर्णय नहीं ले रहे हैं भाई, यहाँ पर तो केवल ये कि जो मुख्यालय ने सेट किया है उसको किस प्रकार के धरातल से प्रभावी रूप से इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न हो, कांवड़ियों के सबसे कम प्रॉब्लम्स हो और सर्वोच्च सहूलियत दे, और जिसके वजह से कांवड़ यात्रा जो बहुत ही पवित्र और धार्मिक यात्रा है, उसको करोड़ों कांवड़िए जो आ रहे हैं इस रूट में, संपूर्ण कुमाऊं रेंज को आते हैं, सेंट्रल UP और ईस्टर्न UP तक जाते हैं इसी रूट पे, उन सब को सबसे मिनिमम बोलते हैं प्रॉब्लम्स हो या फिर कोई कष्ट भी ना हो, का फुल मैक्सिमम सहूलियत कैसे कर लिया जाए, ये हमारा एजेंडा था। इसके लिए हमने रूपरेखा तैयार कर लिया है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट युवा ऑफिसर से सभी लोग, CEO से हमारे साथ SPs आए हुए हैं, बिजनौर से, मुरादाबाद से, रामपुर से, पीलीभीत से CEOs भी आए हुए हैं, तो हम सब ने मिलके आपस में चर्चाएं की, मुख्य फ्लिक्शन पॉइंट्स या कोई कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स पे बिंदु है पे अभी धरातल पे ये सारे लोग जो टीम लीड कर रहे हैं, SP काशीपुर, SP बिजनौर, SP मुरादाबाद, CEOs सब लोग अच्छे से कराएंगे, ये हमारा आशा है, और SDM साहब और प्रशासन ने फुल सपोर्ट दिया।